दोस्तों आप माने या ना माने, परंतु आज भी कहते हैं कि इच्छाधारी नाग नागिन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं और समय समय पर अपने प्रमाण भी देते आए हैं। और एक ऐसी ही घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, जब 5 साल के एक बच्चे को डूबने से बचाने खुद एक इच्छाधारी नागिन चली आई, फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये घटना है मध्य प्रदेश में रहने वाले एक किसान त्रिलोक सिंह की। त्रिलोक सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। त्रिलोक सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। त्रिलोक सिंह महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहाँ पर खुद एक शिवलिंग बनवाया था और खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। त्रिलोक सिंह के खेत के पास जो तालाब है उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक नागिन रहती है। कई बच्चों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है, इसी कारण किसी की भी हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु त्रिलोक सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी। परंतु एक दिन जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। खेत में आकर उनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक से उसका पैर फिसला और वो उस तालाब के पानी में जा गिरा। त्रिलोक सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है और बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था कि तभी अचानक से तालाब में हलचल हुई और तालाब में मौजूद एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुँच गयी और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। त्रिलोक सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। त्रिलोक सिंह ने उस सुंदर स्त्री से धन्यवाद किया कि तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। त्रिलोक सिंह और उसकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। तभी त्रिलोक सिंह को लोगों द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उस नागिन ने ही बचाई है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।